दोस्तों कल मैंने थिएटर में द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट मूवी को देखा है और यकीन मानिए कि पूरा थिएटर ऑलमोस्ट भरा हुआ था। फिल्म मुझे काफी पसंद आई है और इसीलिए मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि मेरी एक्सप्लेनेशन देखने से पहले आप इस फिल्म को थिएटर में जाकर जरूर देखिए। अब आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानेंगे, तो हाँ इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स हैं, तो जिन्हें नहीं चाहिए स्पॉयलर्स वो वीडियो को अभी ही बंद कर दे, फिल्म देख ले, देन इस वीडियो को देखे। नाउ आगे बढ़ने से पहले मेरी यूजुअल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम 2 मिलियन के काफी करीब है। और हाँ, क्योंकि फिल्म नई है तो यहां मैंने फोटो सिर्फ ट्रेलर से लिए हैं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। सो द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट फिल्म फादर गैब्रियल अमॉर्थ के केसेस पे बना है, जो कि सपोजेडली रियल केसेस थे। लोग कहते हैं कि रियल लाइफ वाले फादर अमॉर्थ 1 लाख से भी ज्यादा एग्जॉर्सिज्म्स का हिस्सा रहे थे और उन्हें ग्रेटेस्ट एग्जॉर्सिस्ट माना जाता है। उनकी मृत्यु 16 सितंबर 2016 में हुई थी। और यहां मैं सपोजेडली रियल स्टोरी इसलिए कह रहा क्योंकि फिल्म के शुरुआत वाले डिस्क्लेमर में ये लिखा था कि इस फिल्म की कहानी फिक्शनल है। तो यहां से 2 तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, एक की स्टोरी रियल इंसिडेंट्स पे है क्योंकि एक रियल पर्सन के लाइफ पे बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ से इसे फिक्शनल बोला जा रहा है। मोस्टली मेरे हिसाब से कहानी फिक्शनल है, लेकिन हाँ फादर गैब्रियल अमॉर्थ सच में रियल थे और वो सच में एग्जॉर्सिज्म्स किया करते थे। खैर, द पोप एग्जॉर्सिस्ट फिल्म फादर के कोट से शुरू होती है जो कि कुछ ऐसा था, When we jeer at the devil and tell ourselves that he does not exist, that is when he is the happiest. यानी कि जब हम devil के होने को नकार देते हैं तब devil बहुत खुश होता है। अब फिल्म की कहानी 4 जून 1987 में शुरू होती है, जहां ट्रोपिया इटली में एक लड़का पजेस हो गया था। उसे देखने फादर गैब्रियल अमॉर्थ आते हैं और फादर इस पजेस लड़के से बात करते हैं, जो कि सरप्राइजिंगली इंग्लिश बोल रहा था, जबकि उसने फॉर्मली कभी इंग्लिश सीखा ही नहीं था। वो लड़का कहता है कि वो सैतान है, लेकिन फादर उसे दुत्कारते हुए कहते हैं कि तुम शैतान हो ही नहीं सकते, अगर शैतान हो तो यहाँ पास वाले पिग यानी सुअर को पजेस करके दिखाओ। अब शैतान खुद को प्रूव करने के लिए पिग को जैसे ही पजेस करता है, फादर पिग को मरवा देते हैं और इस तरह से उस लड़के के अंदर से शैतान बाहर निकल जाता है। अब 2 जुलाई को फादर गैब्रियल को रोम बुलाया जाता है इसी केस के रिगार्डिंग बातचीत करने के लिए। वहां काउंसिल ऑफ बिशप्स फादर गैब्रियल को ब्लेम करते हैं कि वो बिना उनके परमिशन के एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किए। इस पे फादर गैब्रियल कहते हैं कि वो लड़का पजेस था ही नहीं, बल्कि वो एक साइकोलॉजिकल इशू था। उन्होंने बस चालाकी से उसके दिमागी इशू को ठीक किया और उसे भरोसा दिला दिया कि अब सैतान यानी कि शैतान उसके अंदर नहीं है और वो ठीक है। उनके पास जितने भी केसेस आते हैं उनमें 98% साइकोलॉजिकल केसेस ही होते हैं और फादर खुद लोगों को डॉक्टर्स को रेफर करते हैं, लेकिन 2% केसेस वाकई में सच होते हैं। और चर्च भले ही अब मॉडर्न हो रहा है, लेकिन उसे ईविल को डिनाई नहीं करना चाहिए। यहां फादर गैब्रियल का एक काउंसिल मेंबर सलिवन से काफी बहस होता है, क्योंकि वो एग्जॉर्सिस्ट्स के पोस्ट को ही खत्म करना चाहते थे। फादर गैब्रियल कहते हैं कि तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे बॉस से बात करो, जो कि है पोप। अब यहाँ हमें किसी रोजारिया के केस के बारे में सुनने को मिलता है, जो कि मारी गई थी, और इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर, यहाँ से कहानी जूलिया पे शिफ्ट करती है, जो कि अपनी बड़ी बेटी एमी और बेटे हेनरी के साथ यूएस से स्पेन मूव हो गई है। जूलिया के पति का 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और उस वक्त कार में हेनरी भी था, जो कि अपने पिता को इम्पेल होकर मरते हुए देखा था। उस एक्सीडेंट के बाद से हेनरी बोलना बंद कर दिया था। अब क्योंकि इनके परिवार में स्टेबल इनकम नहीं था, इसीलिए ये लोग अपने पति के यूरोप वाले घर को कंस्ट्रक्ट करके उसे अच्छे दाम पे बेच डालने के इरादे से यहाँ आए थे। अब एमी इस मूव से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो थोड़ी बिगड़ी हुई टीनेज लड़की थी। घर के कंस्ट्रक्शन का काम कार्लोस देख रहा था और यहाँ एक लोकल प्रीस्ट एस्क्यूबेल भी इन्हें ब्लेस करने आते हैं। तो घर को एक्सप्लोर करते हुए एमी नीचे जाती है, जहाँ उसे एक वॉल में होल दिखता है जिसके पीछे सील ऑफ वैटिकन का सिंबल था। अचानक से वो थोड़ा क्रैक होने लगता है, जिसे देख एमी भाग जाती है। थोड़ी देर बाद वर्कर्स को भी ये जगह दिखती है और जैसे ही वो फ्लेयर्स जलाते हैं फॉर इंस्पेक्शन, इस जगह पे एक ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल इस एरिया में सल्फर वगैरह का गैस डिपॉजिट था, जिससे ये ब्लास्ट हुआ और इसमें कई लोग जख्मी हो गए थे। कार्लोस अपने आदमी को यहाँ से लेकर निकल लेता है और अब वो यहाँ काम करना नहीं चाहता था। अब जिस मोमेंट पे ये ब्लास्ट हुआ, उसी वक्त हम हेनरी को काइंड ऑफ पजेस्ड होते देखते हैं, मानो कोई ईविल फोर्स आजाद हो गया हो। हेनरी एकदम से अजीब आवाज में बोलता है कि यू आर ऑल गोइंग टू डाई, जिसके
जिसके बाद वो अपनी शक्ल नोच लेता है। इस घटना के बाद जूलिया फॉरन हेनरी को हॉस्पिटल ले जाती है जहां उसके सारे टेस्ट रिजल्ट वगैरह नॉर्मल आते हैं। डॉक्टर का कहना था कि हेनरी को साइकेट्रिस्ट की मदद चाहिए होगी क्योंकि वो अपने पिता के मौत के ट्रॉमा की वजह से शायद ऐसा कर रहा होगा। अब घर वापस आकर हेनरी फिर से अजीब बिहेव करने लगता है जहां उसके पेट पे कट मार्क से HAT यानी कि हेट वर्ड लिख गया था और वो प्रीस्ट से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। जब फादर एस्क्यूबेल यहां आते हैं तो हेनरी अपने सुपरनैचुरल ताकत से उन्हें रूम से बाहर फेंक देता है, ये कहते हुए कि ये तो रॉन्ग प्रीस्ट है। दूसरी तरफ हम पोप को देखते हैं जो कि फादर गैब्रियल अमोर्थ को इस केस के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि गैब्रियल को हेनरी की मदद करने स्पेन जाना चाहिए। पोप ये भी कहते हैं कि इस जगह के कारण चर्च को पास्ट में भी दिक्कतें आई है। तो गैब्रियल फौरन ही जूलिया के घर की ओर निकल जाता है और अब तक की कहानी सुनकर हम श्योर हो गए हैं कि यहाँ कोई ना कोई डीमन जरूर इन्वॉल्व्ड है। ऐसे में मुझे एक और कहानी याद आती है जहाँ एक डिमोनिक इंसान रेस्टोरेंट चला रहा है। जी हाँ, और इस रेस्टोरेंट के खाने में आपको मिल सकती है आते इंसानी उंगलियां या फिर इंसान के शरीर का कोई भी अंग। तो क्या मुंबई पुलिस इसके कर्ता धर्ता को पकड़ पाएगी और ये इंसान ऐसा कर क्यों रहा है? जानने के लिए सुने भूतों की रसोई कहानी सिर्फ कुकू FM पे। देखो, मैं पर्सनली 1.5 साल से ऊपर से कुकू FM का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ मैं हॉरर के अलावा कुछ सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक्स भी सुनता हूँ, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहाँ अब 2.5 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं और इस ऐप की रेटिंग 4.5 से ज्यादा है। यहाँ मेरे फेवरेट फीचर्स है कि ऐप में आप नोट सेव कर सकते हैं, देन इसे ड्राइव मोड में डाल सकते हैं, इनफैक्ट आप इसके ऑडियो का स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब जब आप कुकू FM का मंथली सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो आप वहाँ मेरा कोड HAUNTT50 यानी HAUNT50 का इस्तेमाल करना मत भूलना, ताकि आपको पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल सके, यानी सिर्फ 49 रुपीज में 10K प्लस ऑडियो बुक्स। बस ध्यान रहे कि ये ऑफर मेरे सिर्फ पहले 250 व्यूअर्स के लिए है, ऑफ कोर्स जो लोग अवेल करेंगे उनमें। तो जल्दी करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पे क्लिक करो, कुकू FM को डाउनलोड करो एंड हैप्पी लिसनिंग। कमिंग बैक टू स्टोरी, गैब्रियल जूलिया के घर पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात फादर एस्क्यूबेल, जूलिया और एमी से होती है। इसके बाद गैब्रियल हेनरी से मिलने जाते हैं जो कि उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, उसके अंदर का डीमन खुश होता है। गैब्रियल हेनरी को सेक्रेट सिंबल दिखाते हैं जहां हम क्लियरली हेनरी की आंखों में डेविल की आंख देख पाते हैं। गैब्रियल हेनरी के अंदर छिपे डीमन का नाम बार बार पूछते हैं क्योंकि नाम का पता होने से डीमन को एक्सरसाइज इजीली किया जा सकता है, लेकिन ये डीमन चालाक था और अपना नाम बता ही नहीं रहा था। हेनरी को ना सिर्फ गैब्रियल का नाम पता था बल्कि उनका पास्ट भी मालूम था, उनके पास्ट केसेस, उनके पास्ट सिंस इत्यादि। वो गैब्रियल से कहता है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सोल्जर थे और एक कावर्ड भी थे क्योंकि वॉर में उनके सभी साथी मारे गए, बस वही जिंदा बचे। ये सब कह के हेनरी अचानक अपने मुंह के अंदर से एक बर्ड निकाल देता है। ये सब देख गैब्रियल समझ जाते हैं कि हेनरी के अंदर कोई पावरफुल डीमन है और उसे एक्सरसाइज करना इतना आसान नहीं होने वाला। वो कमरे से बाहर आकर सबको पोजेशन की बात बताते हैं और वो ये भी कहते हैं कि हेनरी ही इसीलिए पोजेस हुआ क्योंकि किसी का ट्रॉमा डेविल के लिए गेटवे होता है और हेनरी के लाइफ में तो उसके पिता उसके सामने ही मरे थे, इससे बड़ा ट्रॉमा और क्या होगा। तो इसके बाद एज यूजुअल घर में असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती है, लाइक क्रॉस उल्टा होना, इधर उधर से आवाजें आना इत्यादि। डेविल यहाँ बेसिकली सभी को डराने की कोशिश कर रहा था, इनफैक्ट वो एमी को उसके डैड की आवाज में कॉल करके कहता है कि सब लोग मरने वाले हैं। इस पॉइंट पे गैब्रियल कहते हैं कि ये डेविल किसी के भी सिंस को सूंघ लेता है और उस पे काफी फीड करता है, तो ऐसे में फादर एस्क्यूबेल को अपने सिंस को कन्फेस कर लेना चाहिए ताकि डेविल इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ ना करे। एस्क्यूबेल सिंस को कन्फेस करते हैं जिसके बाद गैब्रियल कहते हैं कि एग्जॉर्सिज्म के दौरान उनका काम बस प्रे करने का है, वो किसी भी हाल में हेनरी के अंदर बैठे डीमन से बात नहीं करेंगे। तो ये दोनों एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं और डीमन तुरंत ही दोनों प्रीस्ट के सिंस को उनके सामने लाना शुरू करता है। जैसे गैब्रियल से डेविल कहता है कि उन्होंने रोजारिया वाले केस में रोजारिया को मरने दिया, वहीं वो एस्क्यूबेल से कहता है कि कैसे प्रीस्ट बनने के बाद भी वो एडिला नामक लड़की के प्यार में है। ये सब सुन एस्क्यूबेल गुस्सा होते हैं और हेनरी पे अटैक कर देते हैं। गैब्रियल एस्क्यूबेल को संभालते हैं और कुछ देर के लिए एग्जॉर्सिज्म बंद करते हैं। यहाँ हेनरी गैब्रियल से कहता है कि यू हैव टेकन द बेट, यानी तुम मेरी जाल में फंस गए। तो इसके बाद हमें दोनों फादर के सिंस के बारे में पता चलता है। दरअसल एस्क्यूबेल एडेला नामक लड़की को चाहते थे और एडेला चाहती थी कि एस्क्यूबेल प्रीस्ट ना बने, यानी उसके साथ रहें और ये प्रीस्टहुड वाली लाइफ छोड़ दे, लेकिन अंततः एस्क्यूबेल अपने प्यार की कुर्बानी दिए ताकि वो गॉड की सेवा कर
करने के लिए प्रीस्ट बन सके। इस बात से शायद स्क्यूबेल आज तक परेशान होते थे और उन्हें एडेला की आज तक याद आती थी और डेविल यही उनके खिलाफ यूज कर रहा था। वहीं गैब्रियल बताते हैं कि 1942 के दौरान वर्ल्ड वॉर टू में वो भी सोल्जर थे जहां उनके अराउंड के सारे सोल्जर्स मारे गए और वो बच गए। उन्हें ये गॉड का मैसेज लगा और उसके बाद ही वो प्रीस्ट बने। लेकिन उनके पास एक रोजारिया नामक लड़की का केस आया जो कि पजेस थी। ऑल्दो प्रीस्ट को लग रहा था कि ये पजेशन नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए वो ये केस डॉक्टर्स को हैंडल करने दे दिए। यही सब के चक्कर में रोजारिया एक दिन ऊंचाई से कूद कर मर गई, जिसके बाद गैब्रियल को यकीन हुआ कि वो वाकई में पजेस थी। यानी कि वो रोजारिया की मदद कर सकते थे लेकिन वो मदद नहीं कर पाए और यही बात उन्हें अंदर से खाती है। दोनों फादर्स एक दूसरे को ब्लेस करके उनके सिंस को माफ करते हैं ताकि वो इस डीमन को एकजुट होकर फेस कर सके। तो इस सब के बाद हेनरी फादर एस्क्यूबेल को हेल्प मी कह के अंदर ल्योर करता है और फिर अपने मुंह से उनका कान काट लेता है। इतना ही नहीं, वो जूलिया और एमी पे भी अटैक करता है जिन्हें दोनों फादर्स मिलकर बचाते हैं। दोनों फादर्स जूलिया और एमी को फौरन घर के चैपल में भेज देते हैं और फिर दोनों मिलकर तहकीकात शुरू करते हैं। गैब्रियल पाते हैं कि घर के गार्डन में एक कुआं था जिसके ऊपर सील ऑफ वैटिकन था। वो सील को हटाते हैं और हम देख पाते हैं कि कुएं के अंदर ढेर सारे स्कल्स थे। जी हाँ, गैब्रियल कहते हैं कि ये सब स्पेनिश इंक्विजिशन के टाइम के विक्टिम्स हैं और जिन्हें स्पेनिश इंक्विजिशन के बारे में नहीं पता उन्हें मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि उस वक्त मोनार्की के कारण कई लोगों पे काफी अत्याचार हुआ था और उन्हें मार दिया गया था। खैर, इसके बाद दोनों फादर घर के नीचे वाले हिस्से में जाते हैं जहां उन्हें वही होल वाला वॉल मिलता है। गैब्रियल इस वॉल को तोड़ते हैं जिसके पीछे अगेन वैटिकन सील वाला डोर था। ये दोनों डोर को भी तोड़ते हैं जिसके अंदर हम बड़ा सा कैटाकोम देख पाते हैं। यहां कई पुरानी डेड बॉडीज थी और एक डेड बॉडी पिंजरे के अंदर थी। ऐसा लग रहा था कि इन डेड बॉडीज को इसी कैटाकोम में छोड़ दिया गया हो। पिंजरे वाली लाश कार्डिनल प्रोटेक्टर की थी और गैब्रियल बताते हैं कि केज इंसान को कैद करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए था डेविल से ड्यूरिंग एग्जॉर्सिज्म। इस केज वाली लाश के हाथ में रिंग ऑफ कार्डिनल प्रोटेक्टर था और इन्हें यहां आगे एक और डोर मिलता है जो कि लॉक था। इस डोर का की कार्डिनल प्रोटेक्टर की लाश के अंदर था जिसे गैब्रियल निकालते हैं और डोर ओपन किया जाता है। आगे सल्फर की बदबू बढ़ती जाती है और कुछ दूर चलने पे इन्हें द फ्रायर दी ओहादा की लाश मिलती है जिन्हें हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट एग्जॉर्सिस्ट माना जाता है। 1475 के दौरान इस जगह पे एक एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया था जहां एक मंक पजेस था, लेकिन रिकॉर्ड से पता चलता है कि यहां मल्टीपल पजेशंस हुए थे और एग्जॉर्सिज्म भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जगह जो कि सैन सेबेस्टियन एबी है, इस जगह पे डेविल का वास है। गैब्रियल बताते हैं कि कुल मिलाकर 200 फॉलन एंजल्स थे जिन्हें हेल से निकालकर अर्थ के अलग अलग जगह पे कैद किया गया था या दफनाया गया था और मोस्टली ये एक फॉलन एंजल का जगह है जहां भगवान नहीं है। खैर, हमें पता चलता है कि 1475 वाला एग्जॉर्सिज्म फेल हो गया था और डीमन फ्रायर दी ओहादा को ही पजेस कर लिया था। जी हाँ, उस एग्जॉर्सिस्ट को। तभी से उसके द्वारा ही स्पेनिश इंक्विजिशन शुरू हुआ, यानी हिस्ट्री का जो वो खूनी खेल था वो डेविल ने फ्रायर दी ओहादा के तो करवाया था। फ्रायर को पजेस करके डीमन को चर्च को इन्फिल्ट्रेट करने का मौका मिल गया था और काफी समय के बाद वैटिकन को जब ये सब पता चला तो उन्होंने इस जगह को सील कर दिया जहां डीमन कैद हुआ। लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान ये डीमन फिर से आजाद हो गया और इसीलिए उसे गैब्रियल से मिलना था क्योंकि गैब्रियल भी एग्जॉर्सिस्ट है और डीमन का एम है एंड में उसे ही पजेस करने का ताकि वो एक बार फिर से चर्च को इन्फिल्ट्रेट कर सके, साथ ही दुनिया भर में गलत काम कर सके। हेनरी को पजेस करना तो बस एक रास्ता है, मंजिल तो गैब्रियल है। यही वजह है कि डीमन कहा था कि तुम मेरे जाल में फंस गए क्योंकि उसे चाहिए गैब्रियल था। अब गैब्रियल और एस्क्यूबेल को यहां फ्रायर दी ओहादा का जर्नल भी मिलता है जिसमें काफी कुछ लिखा हुआ था। उन्हें पता चलता है कि अर्थ पे 200 फॉलन एंजल्स दफनाए हुए हैं और उन जगहों पे गॉड नहीं है और इस जगह पे जो फॉलन एंजल है वो है किंग ऑफ हेल एस्मोडियस। जी हाँ दोस्तों, इस डीमन का नाम एस्मोडियस था और जैसे ही दोनों प्रीस्ट को ये बात पता चलती है हम देख पाते हैं कि हेनरी थोड़ा विचलित होने लग गया था। अब जो लोग मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं उन्हें एस्मोडियस के बारे में सब कुछ पता होगा। इनफैक्ट वो ट्रेलर में जो फोटो देखे होंगे उसी से समझ गए होंगे कि यहाँ डीमन एस्मोडियस था। जो लोग रेगुलर नहीं देखते हैं उन्हें अब पता चला होगा, तो इसीलिए कहता हूँ रेगुलर देखा करूँ मेरी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। एनीवेज, दूसरी तरफ पोप भी इस बारे में एक लेटर पढ़ के जान पाते हैं जिसे फ्रायर दी ओहादा ने लिखा था काफी साल पहले और इसके ठीक बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। कमिंग बैक टू हाउस, वेल हम देख पाते हैं कि एमी भी हेनरी के साथ बैठ गई थी और काइंड ऑफ पजेस हो गई थी।
हेनरी के पेट पे कट होके लिख जाता है कि गॉड इज नॉट हियर और अस्मोडियस सब पे फुल अटैक कर देता है। वो गैब्रियल और एस्क्यूबेल को उनके सिंस वाली विजन्स दिखाता है लेकिन इस बार दोनों इस विजन को झेल पाते हैं। देन वो एमी को पजस करके जूलिया पे हमला करवाता है, देन गैब्रियल को हमला करके गिरा देता है, एस्क्यूबेल को भी हवा में लटका के मारने वाला था और हेनरी भी ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता। डेविल कहता है कि इन सब की जान जाएगी लेकिन बच सकती है अगर गैब्रियल उसे पजस करने की परमिशन दे दे। सबको मरता देख गैब्रियल से रहा नहीं जाता और वो डीमन को उसे पजस करने की अनुमति दे देता है। ऐसा करते ही गैब्रियल पजस होने लगता है और बाकी सब एकदम ठीक हो जाते हैं। एस्क्यूबेल फौरन बाकी को गाड़ में बिठाकर यहाँ से भगा देता है लेकिन खुद गैब्रियल की मदद करने वापस आता है। अब गैब्रियल को पता था कि डीमन उसे बुरे काम करवाएगा क्योंकि वो चर्च का मेंबर है यानी चर्च को इन्फिल्ट्रेट करेगा एंड देन पता नहीं क्या क्या उसकी हाथों हो जाएगा। इसीलिए वो खुद को लटका कर मारने की सोचता है लेकिन अस्मोडियस उसे ऐसा करने ही नहीं दे रहा था। बेसिकली अस्मोडियस गैब्रियल को मरने नहीं दे रहा था। गैब्रियल खून की उल्टी वगैरह करके वही कैटाकॉम्ब तक जाता है ताकि वो खुद को जला सके लेकिन डेविल उसे ऐसा करने नहीं देता। गैब्रियल को वहां मेरी दिखती है लेकिन ये भी अस्मोडियस का एक चाल था जहां मेरी एकदम से रोजारिया में तब्दील होकर उस पर अटैक कर देती है। तभी वहां एस्क्यूबेल आता है और वो क्रॉस की मदद से लैटिन प्रेयर्स शुरू करता है। गैब्रियल फिलहाल काफी हद तक पजस हो गया था और वो फ्रायर के चेयर पे उसकी तरह ही बैठा हुआ था। तभी एस्क्यूबेल पे अडेला अटैक करती है लेकिन वो इस विजन को क्रॉस की मदद से तोड़ पाता है। देन वो ये क्रॉस गैब्रियल तक पास करता है और गैब्रियल भी इस क्रॉस से रोजारिया वाले विजन को तोड़ पाते हैं। फिर दोनों प्रीस्ट मिलकर लैटिन में प्रे करते हैं और काफी पावरफुल एग्जॉर्सिज्म चांट्स करते हैं। इस कंबाइंड पावर के सामने अस्मोडियस ज्यादा देर टिक नहीं पाता और फाइनली एग्जॉर्साइज हो जाता है। हम देखते हैं कि वो पासी के पानी में काइंड ऑफ जल गया जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो इस घटना के बाद पोप की तबीयत भी ठीक हो जाती है और वो फादर गैब्रियल और एस्क्यूबेल को मिलने बुलाते हैं। वो इन दोनों की तारीफ करते हैं, साथ ही उन्हें बिशप लुमुम्बा से मिलवाते हैं जो कि आगे की प्रोसीडिंग्स को टेक ओवर करेंगे और वो फ्रायर की मिली जर्नल को डिकोड कर रहे हैं। लुमुम्बा बताते हैं कि लूसिया के घर को वैटिकन खरीद के अपने कब्जे में ले लिया है और लूसिया का परिवार सेफली यूएस रिलोकेट हो चुका है जहां हेनरी हील भी कर चुका है। लेकिन अभी ऐसी 199 जगह और बाकी है जहां शैतान का वास है और उन जगहों को गैब्रियल और एस्क्यूबेल को मिलकर एक्सरसाइज करना होगा। उन जगहों का इन्फो कहीं ना कहीं फ्रायर के जर्नल में जरूर है, यानी कि दोनों प्रीस्ट को अब बहुत सारे एक्सोसिज्म्स करने हैं। बात रही कार्डिनल सलीवन की, यानी वो इंसान जो एक्सोसिस्ट वगैरह को ही बैन करवाना चाहता था, तो वेल उनके साथ एक डरावना हादसा हुआ जहां क्रॉस से खून निकला और इससे डर के वो सबैटिकल लीव पे है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म के एंड में हमें एक्चुअल फादर गैब्रियल अमोर्थ के बारे में बताया जाता है जो कि रियलिटी में 1,00,000 से ऊपर एक्सोसिज्म्स का हिस्सा रहे हैं। मोरओवर अगर ये फिल्म चलती है जो कि फर्स्ट डे देखकर लग रहा है कि पक्का चलेगी, तो इसका अगला पार्ट भी जरूर आएगा जहां हमें और भी एक्सोसिज्म्स इससे खतरनाक वाले देखने को मिलेंगे। वैसे मैं सोच रहा था कि फादर गैब्रियल के कुछ रियल केसेस को आप तक लाऊं लेकिन इस वीडियो में नहीं, उसके लिए आपको इस वीडियो को ढेर सारा लाइक देना होगा ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। साथ ही कमेंट्स में ही बता देना कि आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो मुझे और भी क्लियर पता चल जाएगा। तो बस यही थी द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट फिल्म की एक्सप्लेनेशन और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड करें और वहां मेरा कोड HAUNTT50 यानी HAUNT50 का इस्तेमाल जरूर करें टू गेट 50% ऑफ ऑन फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन यानी ₹49 में 10K प्लस ऑडियो बुक्स। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।